हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस नए वीडियो लेक्चर में। साथियों, आज हम महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय MDS यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जो BA पार्ट फर्स्ट में भूगोल या ज्योग्राफी का जो पेपर है उस पेपर की हम पेपर स्कीम व सिलेबस डिस्कस करेंगे कि ज्योग्राफी में BA पार्ट फर्स्ट में कौन कौन से ज्योग्राफी के पेपर्स रहेंगे, उनकी मार्किंग स्कीम क्या रहेगी, वर्ड लिमिट क्या रहेगी, टाइम लिमिट क्या रहेगी, और पेपर फर्स्ट में जो सिलेबस आपका डिज़ाइन किया है MDS यूनिवर्सिटी में उसके ऊपर चर्चा करेंगे। मिलते हैं दोस्तों जल्द ही एक्चुअल क्लासरूम में, तब तक आप इस वर्चुअल क्लासरूम का आनंद लीजिए। दोस्तों, जो आपका BA पार्ट फर्स्ट का जो ज्योग्राफी का पेपर स्कीम रहेगा वो ये है कि आपके यहाँ पे दो पेपर रहेंगे। पेपर फर्स्ट रहेगा भौतिक भूगोल फिजिकल ज्योग्राफी, और पेपर सेकंड रहेगा वो रहेगा आपका ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान यानी राजस्थान का भूगोल। जो ज्योग्राफी का पेपर रहेगा वो आपका 150 मार्क्स के दो पेपर रहेंगे और 50 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल रहेगा। इस तरह से आपके थ्योरी के दो पेपर हो गए, राजस्थान का भूगोल भौतिक भूगोल प्लस आपका प्रैक्टिकल जो आपका 50 मार्क्स का रहेगा। इस तरह से आपका ज्योग्राफी जो रहेगा BA पार्ट फर्स्ट में वो 200 मार्क्स का रहेगा। जो आपके दोनों पेपर रहेंगे वो आपके 75-75 मार्क्स के यानी 150 मार्क्स के रहेंगे थ्योरी के, उनमें मिनिमम आपको 54 मार्क्स आपको हासिल करने हैं पास होने के लिए मिनिमम। उससे अगर कम आते हैं तो फिर आपका पेपर ड्यू रह जाएंगे, आप उत्तीर्ण नहीं कर पाएंगे। और इसमें जो टाइम लिमिट रहेगी वो आपको 3 घंटे मिलेंगे उस पेपर को सॉल्व करने के लिए जो आपका मेन एग्जामिनेशन होता है उसमें। और इस तरह से आपकी ये मार्किंग स्कीम और टाइम स्कीम बना रखी है। जो प्रैक्टिकल रहेगा आपका ज्योग्राफी का उसमें आपको 6 घंटे मिलेंगे प्रैक्टिकल के दिन, अदर देन आपका फाइल वर्क और ये सब। और इसमें आपको मिनिमम 18 मार्क्स जो हैं वो गेन करने हैं पास होने के लिए, और मैक्सिमम आपके 50 नंबर का ये पेपर रहेगा प्रैक्टिकल का। इसमें आपको फील्ड वर्क रहेगा, इसमें आपका फाइल वर्क रहेगा, और वाइवा वॉइस मानी आपका वाइवा रहेगा। इस तरह से आपके ये प्रैक्टिकल में 3 सब हेड्स हैं जिसमें आपका ये प्रैक्टिकल होगा। तो इस तरह से आपने देखा कि 150 मार्क्स के दो पेपर हो गए थ्योरी के, 50 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल का जो आपका MDS यूनिवर्सिटी में है। देखते हैं कि फर्स्ट पेपर में जो आपका रहेगा वो आपका रहेगा भौतिक भूगोल। ज्योग्राफी में जो भौतिक भूगोल है फिजिकल ज्योग्राफी जिसको हम बोलते हैं, वो आपका फर्स्ट पेपर 75 मार्क्स का है जिसमें आपको 3 घंटे मिलेंगे। इस प्रश्न पत्र की जो स्कीम रहेगी जो आपको एग्जाम में पेपर आएगा वो आपका पेपर 3 इकाइयों में डिवाइड रहेगा, 3 यूनिट्स में वो डिवाइड रहेगा, जो ए ब और स भाग में डिवाइड किया हुआ रहेगा। जो भाग ए रहेगा, जो पेपर का भाग ए रहेगा वो आपके 15 मार्क्स का रहेगा यानी 15 अंकों का रहेगा जो सभी को करने हैं वो सारे के सारे प्रश्न। और उसमें आपको 10 प्रश्न आएंगे, प्रत्येक प्रश्न जो है वो आपका 1.5 मार्क्स का रहेगा यानी डेढ़ अंक का एक रहेगा। तो इस तरह से आपका 10 प्रश्न डेढ़ अंक का और टोटल हो गए आपके 15 अंक यूनिट ए या भाग ए में, जिसमें आपको प्रत्येक प्रश्न को जो आंसर देना है वह आपको 50 शब्दों में देना है। 50 शब्दों में आपको मिनिमम लिखना है। सपोज कि आपके प्रश्न आ जाएगा पेंजिया, तो पेंजिया को आपको 50 शब्दों में लिखना है कि पेंजिया क्या है, या लिख देंगे वेगनर, या दे देंगे प्लेट विवर्तनी की। तो इस तरह के शब्दों को आप जो आपके रहेंगे क्वेश्चन उसको आपको सिर्फ 50 शब्दों के अंदर लिखना है। छोटे क्वेश्चन आते हैं, और ये मान के चलिए ये जो 10 प्रश्न आएंगे वो आपके कम तीनों यूनिट से आएंगे, जैसे भी मैंने नोट फर्स्ट में लिखा है कि 3 यूनिट्स रहेंगी आपके सिलेबस की, उन तीनों यूनिट से कम 3 प्रश्न आएंगे 1 यूनिट से। तो आप मान के चलिए हर यूनिट को ये कवर करेगा जो भाग ए है छोटे प्रश्न। जो भाग ब रहेगा वो भी 15 अंक का रहेगा, ये भी कंपलसरी है। इसमें कुल 5 प्रश्न आएंगे आपके, और पांचों के पांचों वो आपको करने हैं। इसमें क्या होगा दोस्तों, कम से कम 1 प्रश्न आपका तीनों यूनिट से रहेगा, समझ गए। और इस तरह से आपको 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, और प्रत्येक प्रश्न इसमें आपका 3 अंक का रहेगा। उसमें आपका 1.5 मार्क्स का था, इसमें आपका 3 अंक का रहेगा। इसमें आपको जो प्रश्न आएगा, सपोज कि मैंने अभी कहा था पेंजिया, वो वही पेंजिया या उस तरह का कोई अन्य क्वेश्चन मान लो, ये वायुमंडल की परतें या कुछ भी, तो वो आपको 100 शब्दों में लिखना है। इसके अंदर मिनिमम वर्ड लिमिट रहेगी वो है 100 शब्द।
दोस्तों एग्जाम में हमेशा 100 शब्द लिमिट, जो आपको वर्ड लिमिट है उसको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। नहीं आपको बहुत ज़्यादा लिखना चाहिए, नहीं बहुत कम लिखना चाहिए। वर्ड लिमिट को फॉलो करते हुए अगर आप आंसर लिखोगे तो वो आपके बहुत ही अच्छा आंसर माना जाता है कि जो पूछा गया है टू द पॉइंट उसको आपने लिखा है। उससे अगर आप अधिक व न्यून लिखते हैं तो वो आपके एग्जामिनर को नेगेटिव इफेक्ट डालता है एग्जामिनर पर। तो अब देखते हैं भाग सह जो है आपका है, यूनिट जो आपका सी या सह रहेगा वो आपका 45 मार्क्स करेगा। इसमें आपके लॉन्ग क्वेश्चन लिखने हैं बहुत, जो इसमें आपके जो वर्ड लिमिट रहेगी वो प्रत्येक प्रश्न में आपको 400 शब्द प्रश्नों को 400 शब्दों में लिखना है एक प्रश्न को। इस यूनिट में आपके टोटल 6 प्रश्न आएंगे, तो 6 प्रश्न में से आपको करने कितने हैं, 3 ही प्रश्न करने हैं टोटल, क्योंकि 15 अंक का एक आपका प्रश्न रहेगा, 15 अंक का एक प्रश्न और 3 प्रश्न करने हैं तो 45 मार्क्स हो गए। इसमें से आपको जो 6 क्वेश्चन मिलेंगे वो प्रत्येक यूनिट से, मतलब जो आपका सिलेबस का यूनिट, जैसे मैंने अभी कहा था कि 3 यूनिट में डिवाइड है, प्रत्येक यूनिट से आपको 2 प्रश्न मिलेंगे और आपको उनमें अथवा में मिलेंगे, आप समझिए और या अथवा में मिलेंगे, तो अथवा में से एक प्रश्न करना है हर यूनिट में से, दो में से एक, दो में से एक, दो में से, तो इस तरह से आपके 3 प्रश्न करने हैं 6 में से और आपको ये 45 मार्क्स के रहेंगे और 400 वर्ड लिमिट रहेगी। तो ये आपका फिजिकल ज्योग्राफी का मार्किंग स्कीम है। टाइम ड्यूरेशन आपको 3 घंटे मिलेंगे इन प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए और 75 मार्क्स का रहेगा। आई होप आपके क्लियर हुआ होगा। आइए देखते हैं अब सिलेबस में क्या है आपके पाठ्यक्रम में। जो यूनिट फर्स्ट जो भी बताया था मैंने, जो यूनिट फर्स्ट रहेगी या इकाई जो फर्स्ट है उसमें आपका जो सिलेबस रहेगा वो ये है कि भौतिक भूगोल की परिभाषा, जो फर्स्ट टॉपिक इन्होंने डाला है कि भौतिक भूगोल या फिजिकल ज्योग्राफी जो आपका है उसका डेफिनेशन, उसका नेचर, उसके सब्जेक्ट मैटर क्या है, तो वो सारी चर्चा इसमें जो रहेगा पहला चैप्टर रहेगा उसमें ये रहेगा। सेकंड आपका रहेगा सोलर सिस्टम या सौर परिवार जिसको आप बोलते हैं, उसके ऊपर आपको ग्रहों के बारे में और सोलर सिस्टम के बारे में हम चर्चा करेंगे। फिर पृथ्वी की उत्पत्ति, कौन कौन सी हाइपोथेसिस वगैरह जिन्होंने दी है, लाप्लास हो गया, चैम्बरलिन हो गया, तो पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित हम चर्चा करेंगे। फिर पृथ्वी का आकार और आकृति, पृथ्वी की गतियां और इसके उपग्रह, उपग्रहों के बारे में चर्चा करेंगे। सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण, देखिए दोस्तों यहाँ तक जो है, जो सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण तक, ये सारे टॉपिक्स पे बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछती है अधिकतर यूनिवर्सिटी, वो छोटे क्वेश्चन या तो 1.5 मार्क्स वाला जो क्वेश्चन पूछेगी वो पूछेगी, या आपका ज़्यादा से ज़्यादा 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन पूछती है यहाँ तक। तो जो लॉन्ग क्वेश्चन रहेंगे वो यहाँ से रहेंगे कि पृथ्वी के आंतरिक भाग की भौतिक एवं रासायनिक अवस्था, फिजिकल एंड केमिकल कंपोजिशन ऑफ द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, तो पृथ्वी के आंतरिक भाग की भौतिक एवं रासायनिक अवस्था, पृथ्वी के आंतरिक भाग की संरचना एवं पेटियाँ, इंटीरियर ऑफ द अर्थ स्ट्रक्चर एंड इसकी जो लेयर्स हैं, सियाल, सीमा, निफे, आपने 12th क्लास में सब पढ़ रखा है, वही यहाँ पे एक्सटेंडेड रूप उसका मिलेगा, विस्तृत चर्चा करेंगे यहाँ पे। भूगर्भिक समय सारणी, जियोलॉजिकल टाइम स्केल, इस पर भी दोस्तों बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है 400 वर्ड वाला, यहाँ पे आपको पूछा जाएगा तो 3 मार्क्स तक का क्वेश्चन पूछा जाता है। टाइम स्केल में आपको किसी टाइम कोई भी आपको टाइम पीरियड दे देंगे और उसके ऊपर आपको पूछा जाएगा, यानी कि मान लो कि कार्बोनिफेरस युग में क्या हुआ था, या मान लो टर्सरी युग में क्या हुआ था, इस टाइप का आपको कुछ क्वेश्चन देखे यहाँ पे पूछा जाएगा, या तो 1.5 या 3 मार्क्स का जो बड़ा क्वेश्चन यहाँ से आएगा। फिर वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत यानी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी ऑफ वेगनर, यहाँ से बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है। और आइसोस्टेसिस सिद्धांत यानी समस्थिति सिद्धांत जो प्राट और एरी का है, यहाँ से आपको बड़े क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको समझ में आया होगा कि बड़े क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं, छोटे क्वेश्चन में इसके साथ में इसलिए चर्चा कर रहा हूँ कि आपको अप्रोच एग्ज़ाम के जो पेपर रहेगा उसको भी ध्यान में रखते हुए आपकी स्टडी होनी चाहिए इन डेप्थ, सो दैट आप अच्छे मार्क्स एग्जाम में गेन कर सकें। तो इस तरह से आपने देखा कि जो बड़े क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, सूर्य के आंतरिक, पृथ्वी के आंतरिक भाग की भौतिक एवं रासायनिक अवस्था, पृथ्वी के अभियांत्रिकी की संरचना में पेटियां, वेगनर का महाद्वीपीय सिद्धांत, प्लेट विवर्तनिकी और समस्थिति सिद्धांत, ये 5 टॉपिक आपको बहुत अच्छे से बड़े क्वेश्चन के हिसाब से करने हैं, बाकी आपको कम से कम छोटे छोटे क्वेश्चन के हिसाब से पूरा आपको सिलेबस कवर करना है। तो इस तरह से आपका ये यूनिट फर्स्ट रहेगा। तो अभी मैंने जो 5 टॉपिक आपको बताए इनमें से आपको 2 क्वेश्चन आसानी से मिल जाएंगे एग्जामिनेशन में। तो इस तरह से आपका ये यूनिट फर्स्ट हुआ MDS यूनिवर्सिटी के अंतर्गत ज्योग्राफी के पेपर पार्ट, ज्योग्राफी के पेपर फर्स्ट में, फिजिकल ज्योग्राफी में। आइए देखते हैं यूनिट सेकंड में कौन कौन से टॉपिक हैं। यूनिट सेकंड जो आपका रहेगा उसमें पर्वत निर्माण के सिद्धांत, थ्योरी ऑफ माउंटेन बिल्डिंग्स, जो पर्वत निर्माण से संबंधित अलग अलग जो ज्योग्राफर्स हैं या जियोलॉजिस्ट हैं इन्होंने जो थ्योरीज दी हैं
उनके ऊपर आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो थ्योरी हम इस यूनिट में स्टडी करेंगे। जॉली का सिद्धांत है, कॉबर का सिद्धांत है, आर्थर होम्स का जो सिद्धांत है, तो इस तरह से इन्होंने अलग अलग विद्वानों ने कि माउंटेन्स जो आपके हैं उनका विकास कैसे हुआ, कैसे वो निर्माण हुआ, कौन कौन सी स्टेजेज हुई, उसके ऊपर इसमें इस यूनिट में हम चर्चा करेंगे। नेक्स्ट है आपका भू संचलन, पटल विरूपण, बल, भ्रंश एवं वलन, ये आपके यहाँ पर पूछा जाएगा। तो आपका जो बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है वो आपके जो आपका परत निर्माण के सिद्धांत है, इसमें से आपको कोबर या होम्स का आपको सिद्धांत पूछा गया है पहले। बाकी भू संचलन एवं पटल विरूपण वाले, इससे आपको छोटा ही क्वेश्चन पूछा जाता है, बड़ा क्वेश्चन वलन से या भ्रंश से भले हालांकि पूछा नहीं गया है लेकिन पूछ सकते हैं कभी भी, तो आप इसको भी तैयार करें। आकस्मिक आंतरिक बल, भूकंप एवं ज्वालामुखी, भूकंप एवं ज्वालामुखी आपको बहुत अच्छे से करना पड़ेगा, बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है और आपको इसको प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के साथ भी जोड़ के पूछा जाता है कि प्लेट टेक्टोनिक प्लेट्स के हिसाब से कहाँ पर ज्वालामुखी आते हैं, भूकंप आते हैं। पर्वत निर्माण का सिद्धांत भी आपको प्लेट विवर्तनी की जो सिद्धांत है उसके साथ में जोड़ के पूछा जाता है कि प्लेटों के हिसाब से पर्वतों का निर्माण बताइए। नेक्स्ट है आपका दोस्तों सेल, उनके प्रकार और विशेषताएं, सेल्स ऑफ द रॉक्स, टाइप ऑफ रॉक्स एंड उसकी कैरेक्टरिस्टिक या प्रॉपर्टीज क्या है उस रॉक्स की, तो यह आपको तैयार करना पड़ेगा अच्छे से। तीन तरीके जिसे आपको चट्टाने बताई है तो आपको उनकी विशेषताएँ बतानी होगी। अनाच्छादन और मृदा निर्माण, अनाच्छादन आपको इसमें तैयार करना पड़ेगा और उनसे अनाच्छादन से सॉइल का डेवलपमेंट कैसे होता है, डेनुडेशन की प्रोसेस आपको यहाँ पे स्टडी करेंगे हम आगे आने वाले लेक्चर्स में, और उससे आपका सॉइल फॉर्मेशन कैसे होता है, अलग अलग सॉइल्स कैसे डेवलप होती है आपके। नेक्स्ट टॉपिक है वो अपरदन चक्र की संकल्पना, तो आपको डेविस और पेंक का अपरदन चक्र, इरोजनल साइकिल आपको यहाँ पढ़ने पड़ेगा, और डेविस और पेंक ने जो आपका सिद्धांत दिया था इरोजन साइकिल का, उसमें आपको कंपेयर भी करना पड़ेगा, और डेविस ने जो सिद्धांत दिया था या पेंक ने जो सिद्धांत दिया था उसको सेपरेट क्वेश्चन भी यहाँ पे पूछा जाता है दोस्तों। इस पे बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है डेविस और पेंक के ऊपर, तो आपको अच्छे से तैयार करना पड़ेगा। इसके बाद जो अपरदन चक्र से अलग अलग जो अपरदन चक्र चलते हैं आपके धरातल के ऊपर या पृथ्वी के ऊपर, जो भी आपके अलग अलग अपरदन चक्र चलेंगे, तो उस अपरदन चक्र से जैसे आपका नदी द्वारा जो अपरदन चक्र चलता है, भूमिगत जल यानी कास्ट टोपोग्राफी जो आपकी बनती है, हिमानीकृत, पवन निर्मित या तटीय स्थलाकृति, तो ये अलग अलग अपरदन चक्र चलते हैं जिसमें आपको अपरदन से आपका अपरदन होता है, फिर निक्षेपण होता है, उससे जो स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। जैसे नदी द्वारा मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, नदी जब अपनी बहना स्टार्ट होती है तो अपनी यूथफुल स्टेज होती है, फिर मैच्योर, फिर ओल्ड, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था, तीनों अवस्थाओं से निकलती है, तो अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग स्थलाकृतियों का निर्माण करती है, जैसे कि वी आकार की घाटी, गोर्ज, कैनियन, डेल्टा। तो ये इस तरह से अपरदन और निक्षेपण से अलग अलग तरह की आकृतियों का निर्माण करती है और अलग अलग फॉर्म लैंडफॉर्म फॉर्म करती है, तो उनकी स्टडी हम इसमें करेंगे। कभी हम इसमें आपको दोस्तों बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी नदी द्वारा पूछा जाएगा, कभी भूमिगत जल यानी कार्स्ट टोपोग्राफी बोलते हैं इसको, उसके ऊपर पूछा जाएगा, फिर आपको हिमानीकृत ग्लेशियल टोपोग्राफी पूछा जाएगा, पवन निर्मित एविलियन टोपोग्राफी पूछा जाएगा, या आपका कोस्टल लैंडफॉर्म्स जो आपके समुद्री लहरों द्वारा, जो आपकी सागरीय लहरों द्वारा, जो समुद्र तटीय जो क्षेत्र है उन पे जो स्थलाकृतियों का निर्माण होता है अपरदन और निक्षेपण से, उनके ऊपर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इस तरह से ये यूनिट सेकेंड होगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आप मान के चलिए इसमें जो बड़े क्वेश्चन हैं वो भी अच्छे खासे बनते हैं और आगे छोटे क्वेश्चन भी बहुत अच्छे खासे बनते हैं। ये देखते हैं कि यूनिट सेकेंड जो है वो क्या है। यूनिट सेकेंड में दोस्तों आपके जो है क्लाइमेटोलॉजी यानी वायुमंडल से संबंधित जो भी आपकी हैं वो आपका सब कुछ इसमें ऐड कर दिया गया है इन्होंने, और ओशियनोग्राफी, तो ये दोनों ही आपको इसमें क्लाइमेटोलॉजी और ओशियनोग्राफी और को दोनों को ही ऐड कर दिया गया है इस यूनिट के अंतर्गत। वैसे हम फिजिकल ज्योग्राफी में चार यूनिट मानते हैं, है ना, ज्योमोर्फोलॉजी भूआकृति विज्ञान, और फिर आपका क्लाइमेटोलॉजी, ओशियनोग्राफी और बायोजोग्राफी। तो यहाँ पे इन्होंने जो यूनिट थर्ड है उसमें आपका एक्सक्लूसिवली आपका क्लाइमेटोलॉजी और आपका ओशियनोग्राफी जिसको हम समुद्र विज्ञान बोलते हैं उसके ही टॉपिक सारे इसमें ऐड किए गए हैं। ये देखते हैं क्या है। जो फर्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा वायुमंडल का संगठन
और स्तरीयकरण, जो आपका एटमॉस्फेयर है उसका कंपोजिशन कौन कौन सी गैसों से हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम, तो ये जो जो संगठन हुआ है आपका वायुमंडल का कौन किस किस कौन कौन सी गैसेस से हुआ है, फिर इसका स्तरीयकरण, तो अब क्षोभ मंडल, क्षमता मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, इस तरह से जो लेयर्स बनी हैं आपकी उनके ऊपर हम विस्तार से चर्चा करेंगे आने वाले टॉपिक्स आने वाले वीडियोज़ में। नेक्स्ट आपका सौर्य ताप एवं पृथ्वी का उष्मा बजट, आइसोलेशन एंड हीट बजट ऑफ द अर्थ, तो इंसोलेशन पढ़ेंगे, सॉरी आइसोलेशन नहीं, इंसोलेशन एंड द पृथ्वी का उष्मा बजट, ये टॉपिक आपके यहाँ पे रहेगा कि सूर्य से आने वाला सूर्य का ताप है वो किस हिसाब से आता है, कितना आउटगोइंग होता है, कितना इनगोइंग होता है, कौन सी लॉन्ग वेव्स है, शॉर्ट वेव्स है, इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। तापमान एंड वायुदाब, वायुदाब की अलग अलग पेटियाँ होती है, वायु आपकी जो पवने चलती हैं यहाँ पे उन पर चर्चा करेंगे, वायुमंडलीय संचलन, ग्रहीय पवने, जो आपकी व्यापारिक पवने हो गई, पछुआ पवने हो गई, है ना, ये ध्रुवीय पवने हो गई, ये जो पवने हैं हम इनके ऊपर डिस्कस करेंगे, और स्थानीय पवने हैं जैसे आपका लू हो गया, मिस्ट्रल हो गया, हरमट्टान हो गया, है ना, चिनूक हो गया, जो अलग अलग एरिया विशेष में यानी किसी पर्टिकुलर एरिया में जैसे राजस्थान में आपके लू चलती है तो वो आपकी स्थानीय पवने हो गई, तो इस तरह से आपकी वर्ल्ड में जो चलने वाली स्थानीय पवनों पे चर्चा करेंगे, वो गर्म है, ठंडी है, किस एरिया में चलती है, क्या इफेक्ट डालती है उस पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में, तो इस तरह से इनकी इनके ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे। और आपका संचालीय जो आपकी वायुमंडलीय ग्रही यानी परमानेंट जो विंड है उन पर चर्चा करेंगे। नेक्स्ट आपका मॉनसून, दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, आपका ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में भी आता है, वर्ल्ड ज्योग्राफी में भी आता है, फिजिकल ज्योग्राफी, मॉनसून ये जो विंड्स हैं इनके ऊपर हम चर्चा करेंगे, और जेट स्ट्रीम विंड्स जो होती है उनके ऊपर चर्चा करेंगे। नेक्स्ट है वायु राशियां और वाताग्र, वाताग्र एयर मासेस और आपका फ्रंट्स, इनको एयर मासेस है वो क्या होती है, कैसे आपका कौन से एरियाज में बहती है, कौन कौन सा क्या टेम्परेचर होता है, इसके ऊपर चर्चा करेंगे, और एयर मास से आपका फ्रंट कैसे बनता है, और फ्रंट से आपके फिर साइक्लोन यानी चक्रवात कैसे बनते हैं। दोस्तों ये आपस में तीन बिल्कुल लिंक है, आप ये मान के चलिए कोई सेपरेट टॉपिक नहीं है, एक टॉपिक पढ़ोगे फिर दूसरा फिर तीसरा, एकदम आपस में लिंक है। वायु राशियां बनती है, गर्म और ठंडी दो वायु राशियां जब एक दूसरे से मिलती है तो बीच में एक लाइन बन जाती है, और उस जो मिलने वाली लाइन होती है उसी को हम वाताग्र बोलते हैं, अगर मैं क्रूड भाषा में आपको समझाऊं। और जो वाताग्र होता है वो वाताग्र जब एक दूसरे से टकराते हैं और एक दूसरे की अंदर एंटर करने लगते हैं तो वो हवाएं घूमने लगती है और उसे हम चक्रवात कह देते हैं, और वो आपका शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात है, वो मुख्य रूप से आपके वाताग्रों से ही निर्मित होते हैं। नेक्स्ट आपके हैं वो है वर्षण के प्रकार। दोस्तों ये क्वेश्चन बड़े लॉन्ग क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं आपके चक्रवातों से संबंधित, वायु राशि और वाताग्र से संबंधित, और उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से भाई बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अतिरिक्त आपके वर्षण के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ रेनफॉल, जो वर्षण के प्रकार है आपके यहाँ पे किस तरह की रेनफॉल होती है, तीन तरह से हम मानते हैं, ओरोग्राफिक हो रही है, आपका चक्रवाती हो रही है, या मॉनसूनल है, या इस तरह से आपकी जो वर्षा के प्रकार है ओरोग्राफिक है, तो इस तरह से आपके वर्षा के प्रकार हमेशा पूछे जाते हैं कि इस एरिया में कौन किस टाइप से वर्षा होती है। नेक्स्ट है आपके कोपेन एवं थार्नथ्वेट का विश्व जलवायु वर्गीकरण। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरीके से विश्व के जो जलवायु है उसको डिवाइड किया है, वेजिटेशन है, वहाँ के टेम्परेचर है, रेनफॉल है, उसके आधार पे इन्होंने वर्षा के जो क्लाइमेटिक जोन है उनको डिवाइड किया है वर्ल्ड के, और उन पर चर्चा करेंगे हम। नेक्स्ट आपका हाइड्रोलॉजिकल साइकिल या जलीय चक्र, फिर है आपका ये सारे टॉपिक्स आपके क्लाइमेटोलॉजी के रहेंगे, फिर आपके ओशनोग्राफी के अंदर आपके दोस्तों जो टॉपिक रहेंगे वो रहेगा महासागरीय नित्तल के उच्चावच, टोपोग्राफिक फीचर्स ऑफ द ओशंस, उसमें आपका रहेगा अटलांटिक, हिंद व प्रशांत महासागर, इन तीनों ही महासागरों के अंतर्गत कौन कौन से आपके उच्चावच क्या हैं, ट्रेंच क्या है ना, रिज क्या है, ये सब आप हम इसमें पढ़ेंगे कि हिंद महासागर में किस तरह की स्थलाकृतियाँ होती है, प्रशांत में क्या है, अटलांटिक महासागर में क्या है, इस तरह से उच्चावचों का अध्ययन करेंगे। कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंट्स वाइज भी देखेंगे हम कि कॉन्टिनेंटल स्लोप में क्या है ना। तो नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा महासागरीय जल में तापमान,
है ना, जो आपका महासागरों का जो तापमान है वो कैसे वेरी करता है, दोनों ही तरीके से हम देखेंगे कि गहराई में हम जाते हैं पानी के अंदर तो कैसे टेम्परेचर वेरी करता है, और हॉरिजॉन्टल हम क्षितिज रूप से जब भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगे तो कैसे आपका पानी का टेम्परेचर या तापमान वेरी करता है। यही सेम चीज़ हम लवण का वितरण देखेंगे यानी सॉल्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ओशियंस, वो भी आपका इसमें देखेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा इसमें जो आपका ओशनोग्राफी में महासागरीय धाराएँ ओशनिक करंट्स, अलग अलग महासागरों में धाराएं जो बहती है अलग अलग सेपरेटली हम इनकी स्टडी करेंगे। महासागरों की धाराएं क्यों बनती है, कैसे बनती है, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो इनको अफेक्ट करते हैं, गर्म धारा है ठंडी धारा है, कौन से किनारे पे बहती है, वर्ल्ड के किस कंट्री के कौन से किनारे पे या किस कॉन्टिनेंट के किस किनारे पे ये धाराएं बहती है उनका हम स्टडी करेंगे, और वो धाराएं आपका किस उस पर्टिकुलर एरिया में क्या इफेक्ट डाल रही है इनको हम स्टडी करेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो आपका रहेगा ज्वार भाटा यानी टाइड, टाइड्स को हम स्टडी करेंगे विस्तार से। इसके अतिरिक्त रहे आपका रहेगा महासागरीय निक्षेप यानी ओशनिक डिपॉजिट्स, फिर रहेगा आपका कोरल यानी प्रवाल भित्तियाँ एवं एटोल, और इसके अंतर्गत जो आपके निक्षेपण से संबंधित जो अलग अलग विद्वानों ने सिद्धांत दिए कि कोरल क्यों बनती है, कैसे बनती है, किस ऐप में बनेगी, कौन कौन से फैक्टर्स कोरल के डिपोजिशन को अफेक्ट करते हैं उन पर हम चर्चा करेंगे, और इसके अंतर्गत हम डार्विन मर्रे व डेली ने जो सिद्धांत दिए हैं कि प्रवाल भित्तियों के निर्माण से संबंधित उन पर हम विस्तार से बात करेंगे। और जो लास्ट टॉपिक है आपके बीए पार्ट फर्स्ट का जो ज्योग्राफी का फर्स्ट पेपर है वो रहेगा आपका महासागरीय संसाधन यानी आपके जो मरीन रिसोर्सेस है, जो मरीन रिसोर्सेस है आपका बायोटिक मिनरल रिसोर्सेस और एनर्जी रिसोर्सेस। तो दोस्तों जो आपके महासागर हैं ये संसाधनों के भंडार हैं, ज़रूरत है टेक्नोलॉजी की इनको एक्सट्रैक्ट करने की, और आपको यहाँ पे बायोटिक एबायोटिक मिनरल और एनर्जी रिसोर्सेज सारे तरह के रिसोर्सेज यहाँ पे डिपोजिशन है उनकी हम चर्चा करेंगे कि हम कहाँ रिसोर्स को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं और कौन कौन से रिसोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल है। तो इस तरह से दोस्तों मैंने आपको ये तीनों यूनिट्स के बारे में एक आउटलाइन दिया है, ब्लूप्रिंट दिया है। आप होपफुली आप इसको जब आप पढ़ेंगे वर्चुअल एक्चुअल क्लासरूम में तो हम और विस्तार से चर्चा करेंगे, तब तक हम वीडियो के माध्यम से इनको कवर करने की कोशिश करते हैं। तो अभी तक जो मैंने आपको ये टॉपिक्स बताए हैं इनके ऊपर हमें कौन कौन सी बुक्स या बुक रेफर करनी है वो मैं आपको एक आउटलाइन दे देता हूँ, वो आप इजीली मार्केट से खरीद सकते हैं। जो रेफरेंस बुक्स हैं उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट बुक है जिसमें आपको ये सारे टॉपिक मिल जाएंगे, आपको कहीं इधर उधर भाग जाने की जरूरत नहीं है, वो है आपकी सविंदर सिंह की भौतिक भूगोल। सविंदर सिंह महोदय जो आपके इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहे हैं ज्योग्राफी के, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है दोस्तों भौतिक भूगोल, जो आपको कहीं भी मिल जाएगी मार्केट में और दोनों मीडियम में अवेलेबल है हिंदी और इंग्लिश में, वसुंधरा प्रकाशन से पब्लिश होती है ये गोरखपुर उत्तर प्रदेश से। ये बुक आपको इसलिए पढ़नी चाहिए दोस्तों क्योंकि आगे अगर आप पीजी करते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन एमए करते हैं या आगे कोई सी कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं तो ये बुक कहें कि ऑल इंडिया चलती है, तो आप किसी भी एग्जामिनेशन को आप देंगे, कल को यूजीसी का नेट का एग्ज़ाम भी देते हैं तो इस बुक में आपको सारे टॉपिक मिल जाते हैं और अच्छे से आप इसके कवर हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त अगर आपको बुक्स रेफ़र करनी है तो बीएस चौहान एंड अलका गौतम मैडम की आपकी भौतिक भूगोल मिल जाएगी, आपको डॉक्टर एचएस शर्मा एमएल शर्मा की आपको भौतिक भूगोल मिल जाएगी, डॉक्टर आरके गुजर और बीसी जाट सर की बुक आपको भौतिक भूगोल की बुक आपको लाइब्रेरी में अवेलेबल है। इसके अतिरिक्त चतुर्भुज मामोरिया एवं रतन जोशी सर की भौतिक भूगोल आपको मिल जाएगी। तो इस तरह से एक मैंने आउटलाइन दी है आपको दोस्तों। रेफरेंस बुक जरूर आप इसको कंसल्ट करना, ऑथेंटिक बुक से ही पढ़ना चाहिए। वन वीक आपको मैं आपको कहूँगा कि आप उसको अवॉइड ही करें और बहुत सविंदर सिंह की बुक आप खरीदें और उसको सिलेबस के अकॉर्डिंग जो मैंने वीडियो दिया है इसका आप स्क्रीनशॉट लेके या सिलेबस यूनिवर्सिटी की साइट से आप डाउनलोड करके उसको रेफ़र करते हुए पढ़ें, और होपफुली मैं भी आपको सारे टॉपिक कवर कराने की कोशिश करता हूँ वीडियो के माध्यम से, नहीं तो हम क्लास में मिलेंगे जल्दी। तब तक के लिए धन्यवाद, आप सभी साथियों को अपने धैर्य बनाए रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।